मैंने एक फनी बात बता रही हूँ, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया यूट्यूब में मैंने पोस्ट की थी ईस्ट वेस्ट मेट्रो की। तो अगर आपको कोलकाता में बोर फील हो रहा है ना, आपको इंजॉय करनी, तो सबसे पहले सुबह का जो यहाँ से ट्राम जाता है ना, उसमें आप बैठ जाओ। वहाँ पे सारे बंगालीज बैठे रहेंगे और वो जहाँ से बैठेंगे और जहाँ तक उतरेंगे वो कंटिन्यूसली ऐसे बक बक करते रहेंगे। वो भी क्या खाया, नहीं खाया, कितना खाया, कैसे खाया, उनके बच्चे तो अलग ही लेवल के मज़ेदार होते हैं। मतलब ऐसे भैंस भैंस हिप्पोपोटामस राइनोसीरोस टाइप के बच्चे, वो अपना बैग अपने माँ बाप को पकड़ाएंगे और एक हमारे हैं वो अपना भी हमें पकड़ाएंगे कि पकड़ बच्चा तू। खैर जो का पार्ट। एंड देन तो रिसेंटली मैं उस मेट्रो में गई थी एंड देन वहाँ पे अभी इलेक्शन आ रहा है, तो एक बीजेपी सपोर्टर था और फिर एक टीएमसी सपोर्टर था। यस, बंगाल में तो आपको पता है टीएमसी ममता दीदी चलती है, तो वो बीजेपी का बोला अब की बार फिर से मोदी सरकार। वो ऑफेंड हो गया, ऐसे कैसे टीएमसी की कुरीचे मोदी। मैं बोली भाई 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 रुक जाइए, यहीं पे एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये छोड़ के दूसरे वाले में बैठेंगे। हम लोग भी बात सुनने लगे, दोनों काई काई कोई कोई कर रहे थे, तीन चार लोग और वहाँ पे ऐसे करके खास करके जम गए। मैं मजे ले रही, उसके बाद उनकी नजर ना मुझ पे आई, उनको लगा शी इज अ वेल एजुकेटेड। बेटा आप बताओ, आप बड़े बड़े लिख रहे हो, मैं मेरा भाई जाहिल नजर आ रहा था क्या आपको? खैर उसने मुझसे पूछा, बोले आई एम अंडर 18, मुझे तो राइट ही नहीं है, मैं किसको वोट दूं भाई, आप लोग भी जाने दे जाने।